रुख करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से बता रहे हैं आपको, सपा सांसदों की दिल्ली में बैठक जारी है। सपा संसदीय दल की बैठक जारी है, पार्लियामेंट हाउस के संसदीय दल की मीटिंग चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आज 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगी, और इससे पहले मीटिंग चल रही है दिल्ली में सपा सांसदों की अहम बैठक, सपा संसदीय दल की बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले जारी है। और पार्लियामेंट हाउस के संसदीय दल की ये मीटिंग चल रही है, सपा सांसद यहां पर मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है संसद सत्र के शुरू होने से पहले। और यहां आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ये बैठक ले रहे हैं, इस मीटिंग में शामिल है प्रमुख तौर पर सभी सांसदों के साथ, और इसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव कर रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम ये बैठक, ये मीटिंग मानी जा रही है संसद सत्र के शुरू होने से पहले। ये संसद सत्र 10 दिनों तक चलेगा, कुल 8 बैठकें इस सत्र में होने वाली हैं, और इसमें शामिल होने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ मुद्दे सपा के सांसद इस दौरान उठाएंगे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, इसी के तहत ये रणनीति आज ये बैठक में बनाई जा रही है। लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होगा और कई मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन इससे ठीक पहले सपा सांसदों की दिल्ली में बड़ी बैठक, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं? आज देखिए, ये पहली बार है कि अब लोकसभा की कार्यवाही में शुरू होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी बना है, ऐसे में उनकी भूमिका भी अहम है और संसद में उनकी संख्या भी। अब 37 सांसद जो अखिलेश यादव अभी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने बाहर गए थे और कल ही वो दिल्ली वापस लौटे हैं, और आज उन्होंने बैठक बुलाई है सभी सांसदों की। जाहिर तौर पर लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, किस तरह के सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी के पास जब नीट के छात्र मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे, यानी कि विपक्ष की तैयारी पूरी है कि नीट और एनईटी जैसे जो पेपर जो लीक हुए उसको लेकर सरकार को जरूर घेरने की कवायद होगी। तो इसके अलावा जो हीट वेव से मौतें हुई है उसमें क्या तैयारी थी सरकार की तरफ से, इस तरह के मुद्दे जरूर संसद में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जिस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आते थे, मुद्दे उठाते थे और कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक भी होती दिखती थी, वही अब लोकसभा में नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार के सांसद भी रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई से पूरी तरह से वाकिफ हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी संख्या के साथ जब आज संसद भवन पहुंचेंगे तो वहां पर भी कई ऐसे मुद्दे होंगे और कई ऐसी नोकझोंक भी उनकी तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं भाजपा को झटका भी दिया है, मंथन जारी है भारतीय जनता पार्टी में भी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस तरह की हार देखने को मिली। फिलहाल जो जोश है वो हाई है इस समय समाजवादी पार्टी का, सभी सांसद वहां पहुंचे हैं और इस बैठक के बाद अखिलेश यादव 4 जुलाई तक अभी वहीं रहने वाले हैं दिल्ली में, यानी कि पूरी संसद की जो कार्रवाई है वो वहां पर बने रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी आज बातचीत होगी, उसके अलावा जो परमानेंट स्पीकर है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके साथ तो चर्चा होनी है। इसके अलावा जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ भी शाम को बैठक माना जा रहा है कि एक बार हो सकती है, तो गठबंधन के सभी सहयोगी भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर स्पीकर को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि जैसे आपको पहले से भी जानकारी है कि जो वाइस जो स्पीकर बनेगा उसको लेकर भी आज रणनीति बनेगी, कि उन्होंने मांगा है कि जो वहां पर नेता जो जो सेकंड पोजीशन जो है वो गठबंधन के नेताओं को दी जाए। फिलहाल आज काफी चर्चा और गहमा गहमी देखने को मिलेगी, दिल्ली जरूर आज गर्म रहने वाली जी, है। जी बिल्कुल तौकीर, तो आज इस चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठेंगे, रणनीति बनाई जाएगी संसद सत्र शुरू होने से पहले। शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त की सत्र में इंडिया गठबंधन की एकजुटता एकता नजर आएगी। इंडिया के सांसद एक साथ प्रवेश करेंगे और गांधी प्रतिमा पर एकत्र होंगे सभी इंडिया गठबंधन के सांसद। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको,
आज 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है। 11 बजे संसद सत्र की शुरुआत होगी और यहां पर अलग ही तरह का मंजर पहली बार देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट होकर एकत्र होंगे गांधी प्रतिमा पर और एक साथ प्रवेश करेंगे संसद भवन में। गांधी प्रतिमा के पास सभी एकत्र होंगे और सभी सांसदों के हाथ में संविधान की एक एक कॉपी साथ में देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर इसके बाद कहा जा सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यानी कि सत्ता पक्ष के सामने 10 सालों बाद मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रही है बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी मंत्रिमंडल का अयोध्या दौरा आज है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह दौरा हो रहा है और पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक और साथ में स्पीकर भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम के दर्शन पूरे कैबिनेट आज करने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रामलला के दर्शन करेंगे और सभी विधायकगण भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी अपडेट साझा की थी कि पूरा कैबिनेट हरियाणा का मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या पहुंच चुका है, फ्लाइट लैंड हो चुकी है और बस के जरिए राम मंदिर पहुंच रहे थे, अभी क्या जानकारी? मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो देखिए, टेक्निकल समस्याओं की वजह से संपर्क साध नहीं पा रहे हैं, फिर से जुड़ेंगे टीएन मिश्रा जी के साथ। फिलहाल ये जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, अयोध्या पूरा कैबिनेट हरियाणा का पहुंच चुका है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस के जरिए एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है पूरी कैबिनेट राम मंदिर के लिए। अयोध्या पहुंचेगी पूरी कैबिनेट और सभी के संग स्पीकर भी मौजूद हैं, तमाम विधायकगण मौजूद हैं और इस दौरे की अध्यक्षता कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एयरपोर्ट से बाहर आते सभी लोग, पूरी हरियाणा की कैबिनेट नजर आ रही है और इसके बाद बस में सभी लोगों ने एंट्री ले ली थी और अब बस जल्द अयोध्या पहुंचेगी और पूरी कैबिनेट हरियाणा की दर्शन करेगी, रामलला के राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भी कार्यक्रम तय हुए थे लेकिन भारी भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं की कार्यक्रम रद्द हो गए थे। टीएन मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मिश्रा जी, बस के जरिए रवाना हो रहे थे एयरपोर्ट से पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट अयोध्या के लिए, फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट? नायब सिंह सैनी जो है अपनी पूरी कैबिनेट 34 लोगों के साथ आए और आज एयरपोर्ट पे हम उतरने के बाद सीधे से जो है पहुंच करके और राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में वो दर्शन इस समय कर रहे हैं और इसके बाद वो जाएंगे जो है सरयू नदी जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और सरयू स्नान करके वापस एयरपोर्ट आएंगे। 12:30 बजे उनको यहाँ से वापस जाना है, तो ये उनका शेड्यूल है अभी तक का। लेकिन ये अयोध्या वासी भी उत्साहित हैं कि पूरी कैबिनेट किसी स्टेट की, एक यूपी गवर्नमेंट के बाद दूसरी बार ऐसा प्रदेश है कि जहाँ की कैबिनेट आज पूरी अयोध्या आई है और प्रभु रामलला के दर्शन करने आई है। इससे पूरे अयोध्या में जहाँ एक तरफ जो है अयोध्या सुरक्षा व्यवस्था बहुत प्रबंध किए गए और इन कड़े प्रबंधों के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आम लोग भी उनको देखने के लिए उमड़े रहे, सड़क के किनारे लोग खड़े रहे कि यहाँ किस तरह कैबिनेट की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कैसे सीएम यहाँ पर कैबिनेट से जो है बस से जा रहे हैं। तो ये जो जिस बस से वो भेजे गए, ग्रीन बस, ये इलेक्ट्रिक बस थी, तो ये बस विशेष रूप से तैयार की जाती है कि अयोध्या में ज़्यादा गाड़ियों का काफिला न लगे, यहाँ ग्रीन सिटी के रूप में अयोध्या डेवलप की जा रही है, तो इसलिए जो उस बस से भेजे गए कि ताकि सारे लोग एक साथ जाएं, एक ही जगह उतर जाएं और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था करने में आसानी हो, उनकी गाड़ी को प्रॉपर कवर कर सकें और पूरे रास्ते को बैरिकेड कर सकें। तो ये सिटी पहुँच करके और सीएम नायब सिंह सैनी और स्पीकर सहित जो सारे एमएलए और गए, अब हमारे जो है स्टेट हेड अनिल के अंकुर साहब हैं, मैं इस दौरे को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दौरा निश्चित रूप से पॉलिटिकल भी हो सकता है क्योंकि हरियाणा में जल्द ही
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, हो जाएंगे कुछ महीनों बाद, उसके बाद निश्चित रूप से ये राम के भगवान के दर्शन करने के बाद जिस तरीके से ये उनका भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ आगे चुनाव की तैयारी करेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, ताज़ा जानकारी मेरे पास जो अभी आई है वो ये आई है कि जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के जो सूचना के प्रभारी है राजन शर्मा जी, उन्होंने अभी भी बताया है कि रामलला के दर्शन पूरी तरह से हो चुके हैं और वो वहाँ से जा रहे हैं सीधे सरयू की नदी के दर्शन करने के लिए, उनके जल को लेंगे, जल ग्रहण करेंगे, फिर वहाँ से हनुमान घड़ी होते हुए अगर मौका समय हुआ क्योंकि और 11:30 बजे वो अयोध्या से हरियाणा के लिए फ्लाई कर जाएंगे। जी तो देखिए, जो अंकुर ने बताया अभी तक जो था सरयू का जो उनके टारगेट में नहीं था कि सरयू स्नान करने जाएंगे, लेकिन सरयू का भी जल ग्रहण करेंगे और वो यहाँ पहुँचे हैं। तो अब ये है 12:30 बजे उनकी फ्लाइट रिटर्न की है, जो उनका चार्टर विमान है यहाँ एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही। मैं रियाज को बाद दिखा दें कि एयरपोर्ट पर किस तरह जो है अयोध्या एयरपोर्ट पर तैयारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है और यहाँ लगातार जो है सीएम के आने की स्थिति के लिए करके जो अलर्ट लगातार चल रहा है। यहाँ पर भी बहुत कम लोग परिसर में यात्रियों को छोड़ करके कोई नहीं आ पा रहा है, जो पैसेंजर्स हैं उन्हें ही सिर्फ आने दिया जा रहा है। जी दिशा जी, बिल्कुल मिश्रा जी, अभी सही फरमाया आपने। हाल ही में जो आपने कहा कि पॉलिटिक्स के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, पॉलिटिकल मायने भी इस दौरे के निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में महज कुछ ही महीनों का समय बाकी है, विधानसभा चुनाव स्तर पर है, ऐसे में इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। हाँ पक्का, इसे देखिए विधानसभा चुनाव पर प्रयास असर पड़ेगा ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, पूरी कैबिनेट का अयोध्या आना और ये एक बड़ा मैसेज है, प्लस हरियाणा के लोगों को लगातार अयोध्या भेजना ये भी एक बड़ा मैसेज है कि हरियाणा सरकार लगातार जो है भगवान राम को तवज्जो दे रही है, उनके मंदिर को तवज्जो दे रही है और हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं उनको भी लगातार जो है 60 साल ऊपर के बुजुर्ग हैं वो बसों से और ट्रेनों से भेजने की व्यवस्था की जाती है, जिसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। तो ये एक तरह से उसका वोट बैंक भी इससे बढ़ सकता है और इससे लोगों में भावना भी सरकार के प्रति अच्छा नजरिया भी बढ़ेगा और ये माना जा रहा है कि सरकार के लिए जरूर फायदेमंद हो सकता है। जी दिशा जी, बिल्कुल मिश्रा जी, इस पर और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।